हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वै इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग क्लास सेवेंथ के लिए जो आईआईटी फाउंडेशन के बुक है उसके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ एम डेट सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में एम का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ से 7/4m माइनस 2 इक्वल टू है 5/3m माइनस 4, है ना। यहाँ पे m का वैल्यू पूछ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 7 × 3m माइनस 4 इक्वल टू 5 × 4m माइनस 2। तो ठीक है, यहाँ से 7 × 3 = 21m माइनस 7 × 4 = 28 इक्वल टू 5 × 4 = 20m माइनस 5 × 2 = 10। ठीक है, तो 21m इस m को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 20m माइनस 10 और ये m इधर आएगा तो प्लस 28। तो 21 माइनस m m हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा कितना 18। तो m का वैल्यू क्या आया यहाँ से 18, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन भाई है, सेकंड क्वेश्चन बोलता है क्या, सो देखिए 5 × यहाँ पे लिखते हैं ना। सेकेंड क्वेश्चन 5 × x + 4 माइनस 8 × 4 − x इक्वल टू 25 माइनस 3 × 7 − x प्लस 144। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 5x और 5 × 4 = 20 माइनस 8 × 4 = 32 माइनस माइनस प्लस 8x इक्वल टू 25 7 × 3 = 21 प्लस 3x प्लस 144। ठीक है, तो यहाँ से 5 × 8 = 13x और ये 3 इधर आएगा तो माइनस 3x इक्वल टू 144 यहाँ से है ना 144 और प्लस इतना कितना हो जाएगा 5 × 4। पहले इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आ जाएगा 4 + 144। ठीक है, और इधर से ट्वेंटी माइनस, तो यहाँ से आया माइनस 12 LHS में और इतना है तो 13 − 10x माइनस 12 इक्वल टू 4 = 148। तो 10x इक्वल टू 148 और प्लस 12, ठीक है, तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 160। तो x इक्वल टू 160/10 कैंसिल आउट होके x का वैल्यू कितना आएगा 16। तो इसका आंसर b बन गया और इसका आंसर c बना। ठीक है, आइए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या बोलता है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्लियर है। अब क्या करना है, इसमें x से मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 में और माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 में, तो ये आ गया x माइनस 4। क्लियर, तो x से गुणा कीजिएगा इसको तो एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और यहाँ माइनस 2x और माइनस प्लस माइनस 3 × 2 = 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। जब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, जब दोनों साइड सेम नंबर हो तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3x माइनस 2x एक्स माइनस 4 और ये 6 इधर गया तो प्लस 6, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 6 − 4 = 2। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व किए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 0.2 × 2x − 1 माइनस 0.5 × 3x − 1 इक्वल टू 0.4। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इजी तरीका क्या होता है, यहाँ पे डेसिमल हटा के 10 कर दीजिए, यहाँ भी डेसिमल हटा के 10 कर लीजिए और यहाँ भी डेसिमल हटा के 10 कर लीजिए, ठीक है। अब ये बन जाएगा 10 कैल्शियम हुआ तो 10, ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 2x − 1 डेसिमल हटा चुके तो 2 और यहाँ से बन जाएगा 5 × 3x − 1 है ना इक्वल टू 4/10।
अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो 10 बाई 10 कैंसिल होगा, तो हम ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 2 जब 4x माइनस 2 एक माइनस, 5 3 जब 15x और माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 4। तो 4x माइनस 15 यानी 11x है ना, और यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 2, तो यहाँ से 3 प्लस आएगा, तो इस 3 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो -3 + 4 तो -11x = 1, x = 1/-11, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका बी बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 5 में आते हैं। मैच द इक्वेशन विद देयर सॉल्यूशन, है ना। तो अपने को 4 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा 5 नंबर के लिए। चलिए पहले 5 नंबर में 1 को सॉल्व करते हैं। 1 क्या है, 14 - x - 10/10 = x + 5/6 - 3। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, 10, ये हो जाएगा 140, 10 यहाँ 1 है, 10 टाइम्स इतना, और इसको x माइनस 1 है सॉरी, तो ये ब्रैकेट में रखिए x माइनस 1, और यहाँ से हो जाएगा 6x + 5 और -6 3 18, ठीक है। और चलिए 140 ये माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1/10 इक्वल टू कितना, एक्स और -13/6, ठीक है। तो 141 माइनस एक्स और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा और ये 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6 6 4 जा 24, कैरी 2 6 2 8, है ना। -6x = 10x - 130, तो 8 4 6 ये 130 को इधर कर लीजिए तो +10x और ये 6 उधर गया तो +6x, तो यहाँ से 6 4 3 7 और 8 1 9 = 16x, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 976/16, है ना। 16 1 जा 16, ये यानी 4 का 1 का c बन गया, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट 2 नंबर को सॉल्व कर लिया जाए। तो x - 5 का स्क्वायर - x + 3 का स्क्वायर = 48, ठीक है। तो इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, a² - 2ab अब +b² यानी 25, माइनस यहाँ से x² + 2ab अब +b² 9 = 48, ठीक है। तो यहाँ से x² - 10x + 25 - x², है ना, -3 2 जा 6x - 9 = 48, ये कैंसिल हो गया, 10x और 6x - 16x, और यहाँ 25 - 9 तो +16 = 48, तो यहाँ से -16x = 48 - 16, तो -16x = 48, 32x = 32/-16, यहाँ से 2 आ गया x का वैल्यू, तो x का वैल्यू माइनस टू आया, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या बन गया डी। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, 6 × x - 4 = 4 × x - 3 - 3x - 8 का ब्रैकेट। तो 6x - 24 4x - 12 - 3x + 8। अब देखिए यहाँ से 6x तो ठीक है, 4x में से 3x घटा x, x इधर आएगा तो -x, और 12 + 8 यानी -4 और ये इधर आ गया 24,
तो 5x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20/5, 5 4 20, x का वैल्यू आ गया 4, तो इसका बन गया ये। एक लास्ट क्वेश्चन है 4, इसका वैल्यू तो पता ही है अपने को, बट एक बार चेक कर लेते हैं। 2x-1 × 2x+3 इक्वल टू है 2x-7 और 2x+7, ठीक है। तो 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x+3 में और -1 से मल्टीप्लाई होगा 2x-+3 में, और ये a-b a+b, a² - b² यहाँ हो गया 4x² + 3×2 = 6x - 2x - 3 इक्वल टू 4x² - 49। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 6x - 2x 4x, और इधर जाएगा -49+3, तो 4x = -45, तो x = -45/4 -11 होल 1/4, यानी 1 होल 4 आ रहा है, आंसर में 2 है। तो थोड़ा सा कहीं मिस्टेक होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 2x-1 और 2x+3, तो 2x+3 - 1 2x+3, 4x² 6x - 2x - 3, 4x² इधर तो ठीक है 49, और 6x-2 + 45 यहाँ पे आएगा, यानी इसका आंसर कुछ गलत लग रहा है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं 5 का तो दिया ही नहीं, 5 का 1 का c 1 का c 2 का d 3 a 4 b, एक्चुअल में कुछ मिस्टेक होगा यहाँ पे 1/4 होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।